बताते हैं दिवाली पर मैंने क्या क्या तैयारी की, किस प्रकार मैंने महालक्ष्मी की पूजा की है, चलिए आपको बता देते हैं, आइए मेरे साथ। तो इस प्रकार रंगोली निकाली है मैंने, अच्छे से लाइटिंग भी लगाई है। दीपावली, दीपावली के शुभ अवसर पर जानते हैं दीपावली का पूजन, दीपावली पूजन किस प्रकार किया है हमने और किस प्रकार से पूजा संपन्न की है, चलिए आइए देखते हैं आपके साथ। तो रंगोली निकाली है छोटी सी, और जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर भी कुछ सजावट की है, और लक्ष्मी माता जी का आगमन अच्छे से हो इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। चले मेरे बच्चों ने भी बहुत सारे पटाखे फोड़े हैं, वैसे तो कैमरा के सामने नहीं आते लेकिन आज मैंने उसका निकाल ही लिया, तो क्योंकि उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है कैमरा के सामने आना, कोई बात नहीं है। तो पटाखों के लिए तो हमें नीचे आना पड़ा, क्योंकि वैसे भी मेरे बच्चों ने वो सुनता नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसको हमने थोड़े बहुत पटाखे फोड़ने दिए, अदरवाइज पोल्यूशन के कारण तो फोड़े। चलिए बता देते हैं लक्ष्मी पूजन, भाई हम लेडीज तो यही काम है, पहले सफाई करो, फिर फलहार बनाओ, फिर लक्ष्मी माता जी का पूजन करो, और ये घर सजाओ, खुद भी सजो, खुद का भी तो सजना जरूरी है ना, क्योंकि हम जो लक्ष्मी ठहरे। तो इस प्रकार मैंने लक्ष्मी माता जी का पूजन किया है, और अच्छे से बड़े मनोभाव से पूजन किया है मैंने माता जी को, बहुत ही मनोभाव से पूजन करते हुए उनको एक मन से एक विनंती करते हुए बोलते हैं कि माता जी आप हमेशा की तरह हमारा घर में सुख शांति प्रदान करें, और सुख शांति के साथ हमारे घर में आप हमेशा ही वास करें। पूरा खाना वगैरह बनना हो चुका है, और बहुत सारा बनाना पड़ता है इसलिए बहुत सारा मतलब बहुत सारा इधर उधर बहुत पसारा हो चुका है। तो इस प्रकार मैंने दिवाली की सजावट की है। दीपावली मनाए सुहानी, दीपावली मेरे साए की अमृत वाणी, मैं तो हूँ मेरे साई दीवानी, दीपावली मनाए सुहानी दीपावली। तो चलिए दीपावली का गाना भी हो चुका है, इस प्रकार से लक्ष्मी पूजन पटाखे सब कुछ हो चुका है। थैंक यू।